अरे यार, इतना बड़ा मुंह। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये दो गाड़ियों का आपस में थोड़ा सा टकराव हुआ है, और इसमें एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि पिछली गाड़ी जो है वो अगली गाड़ी में लगी है, उन दोनों ने वहाँ पे गाड़ी रोकी है, दोनों आराम से अपनी अपनी गाड़ी से उतरे, और अब दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ एक जो इंश्योरेंस है उनकी वो शेयर करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी जाने और उनका नुकसान जाने। जहाँ पे इस तरह नहीं होता है कि गाड़ियाँ अगर लग गई हैं तो गाड़ी रोको, गाड़ी से उतरो और एक दूसरे के साथ पंचिंग शुरू कर दो, लड़ाई शुरू कर दो और गाड़ी से ज़्यादा अपना नुकसान कर लो। तो मुहज़्ज़ब माशरों की ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि लोग जो हैं वो इस तरह से लड़ना शुरू नहीं करते, बल्कि गाड़ी अगर लग जाए तो फिर उतर के उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी करनी है शॉपिंग, तो थोड़ी सी शॉपिंग के लिए मैं आया हूँ इस वक्त डन स्टोर। डन स्टोर काफ़ी बड़ा स्टोर है जहाँ पे हर किस्म की चीज़ मिलती है। मैंने शूज़ लेने, तो काफ़ी देर तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद रहा है, अभी अभी दोबारा से चीज़ें ओपन हुई हैं। ये क्लोथ वाला सेक्शन, शूज़ वाला सेक्शन, ये सब बंद रहता था, तो अभी जब से ये कोरोना वायरस ज़रा कम हुआ है तो चीज़ें ओपन होना शुरू हो गई हैं। तो आज मैंने सोचा शूज़ देखते हैं, अभी कोई अच्छे लगेंगे तो फिर ले लेंगे। इसमें मेरा साइज नहीं मिल रहा, अभी देखते हैं कहीं से। लगता है अब इनके पास सिर्फ नया स्टॉक आ चुका है। जो शूज़ मुझे पसंद आए थे उस वक्त कोरोना वायरस था और ये सेल उन्होंने बिल्कुल बंद की हुई थी, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से वो मिल जाए। फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, ये देखें ज़रा यार, खूबसूरत चीज़। कच्चा फॉर 20 यूरोस, तो कच्चे की फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 कच्चे हैं। ये कैसा लग रहा थिंक आई विल गो फॉर दीज टू कैप्स। ये दो कैप्स हो गई, चलो कुछ तो मैंने खरीदा। बाल के साथ खेलने के बजाय तो इसको वैसे ही डेकोरेशन के तौर पे घर में रखें।
जो शूज़ मैंने लेने थे वो वहाँ पे अभी मौजूद नहीं थे, और जो मुझे पसंद आए हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा था, मेरे साइज़ के नहीं थे, इसलिए मैं शूज़ नहीं ले सका और सिर्फ़ ये दो कैप्स लिए हैं। अभी गाड़ी के टायर्स में एयर प्रेशर कम है और हवा भरवाने जाना है। जूस आज काफ़ी खट्टा है। बाय द वे, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं ये जूस, जो ऑरेंज का खालिस जूस है, वो मशीन आपको दिखाई नहीं, उसमें से आप खालिस जूस खुद ही निकाल सकते हैं। सिर्फ एक बटन दबाते हैं और जूस उसमें निकल आता है, वो फिर आपको दिखाएंगे। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मैं ये जूस यहाँ से ज़रूर पीता हूँ, काफ़ी मज़े का ये जूस होता है, लेकिन आज काफ़ी खट्टा है। लगता है आज उन्होंने ऑरेंज जो रखे थे वो पूरी तरह से पके नहीं थे। पाकिस्तानी मैंगो जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है और अभी तक मैंने खाया नहीं है। यहाँ पे एक देसी शॉप है जहाँ पे उम्मीद है कि मैंगो मिल जाएगा। बहुत खट्टा है भाई, बहुत खट्टा है। डंस वालों, अगर तुम लोग मुझे देख रहे हो, ये किसी के साथ भी मैच नहीं होती आवाज़। पता नहीं अल्ताफ़ भाई के साथ, नहीं यार अल्ताफ़ भाई के साथ नहीं होती। डंस वालों, खट्टा जूस बनाना छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये कुछ बेहतर थी। हाँ जी, तो एक ही तीर से हमने किए हैं दो शिकार, यानी हवा टायरों में भी भर ली है, उसके अलावा इसमें ओवर मार दिया, गाड़ी में सफाई हो गई है। अगर आप एक जोड़ा डालते हैं उसमें आपको मिलते हैं चार चार मिनट्स। उन चार मिनट्स में आप हवा भर सकते हैं, फ्रेगरेंस जो है वो स्प्रे कर सकते हैं गाड़ी में, यानी खुशबू जो है, और उसके अलावा आप गाड़ी के अंदर ओवर मार सकते हैं। तो आज का जो व्लॉग है इसको इधर करते हैं ख़त्म। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। अभी तक गए नहीं आप यार, क्या करते हैं यार? अच्छा नहीं गए तो सब्सक्राइब कर दें।